हमारे मीडिया के साथी, सभी हमारे नागरिकों को मैं 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस के जवानों द्वारा जो शानदार उच्च कोटि का प्रदर्शन किया गया है, मैं उन तमाम पुलिस के जवानों के समर्पण, उनके अनुशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दुनिया में शिखर की ओर ले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और किसी भी राज्य को जब विकास की ओर ले जाना पड़ता है तो सबसे आवश्यक है वहां की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने अपने कुशल निर्देशन से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। यहां हमारे पुलिस आयुक्त आलोक सिंह जी खड़े हैं। ये वैसे भी ऐतिहासिक क्षण आज यहां गौतम बुद्ध नगर में है, पुलिस परेड ग्राउंड में, कि 13 जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और वर्षों से जिसका इंतजार था, ऐसा दो जनपदों में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस शानदार और एक कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने वाले इस कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर बहुत तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों के द्वारा, औद्योगिक घरानों के द्वारा यहां बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है और उसी का परिणाम है कि लगातार गौतम बुद्ध नगर का विस्तार भी हो रहा है। यहां ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मानक में भी गौतम बुद्ध नगर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां तेजी के साथ व्यवसाय बढ़ रहा है और वैसे भी आर्थिक दृष्टि से और मजबूती के साथ ये क्षेत्र संपन्न हो और भारत के संपूर्ण विकास के साथ ये क्षेत्र जुड़ जाए, इसलिए दादरी से मुंबई तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत शीघ्रता के साथ उसका निर्माण चल रहा है और नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरिफेरियल, ये दो महत्वपूर्ण मार्ग यहां के विकास को और चार चांद लगा रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यकता के अनुसार लोगों को न्याय उपलब्ध हो सके, मजबूत सुरक्षा कवच खड़ा हो सके,
इसलिए 1861 से चली आ रही पुलिस व्यवस्था में सुधार करते हुए इस व्यवस्था को लागू किया है। सेफ एंड स्मार्ट पुलिसिंग के लिए इस व्यवस्था के कारण बहुत सारे सुधार बहुत तेजी के साथ होंगे। जैसे जो बीट में आरक्षी है, बीट व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाएगा। बीट आरक्षियों को मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट और जो भी आधुनिक संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों से लैस किया जाएगा, जिससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अपराध पर जीरो टॉलरेंस जो उनकी नीति है, वो बहुत मजबूती के साथ यहाँ लागू होगी। और मैं चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ हम तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे भारत का जवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पुलिस का जवान हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का विद्यार्थी हो, सभी को बहुत तेजी के साथ तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। और हमारी बेहतर तकनीक का ही ये परिणाम है कि वर्षों से जिस राइफल ने पुलिस विभाग में एक मुख्य भूमिका 303 ने निभाई है, आज चूंकि हम बेहतर तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं, आज इंसास आ रही है, आज असलार आ रही है और अत्याधुनिक हथियार पुलिस के पास आ रहे हैं, इसलिए आज सदा सदा के लिए 303 से पुलिस विभाग से 303 की विदाई हो रही है। और तालियों के साथ इस विदाई को, चूंकि वर्षों तक इस राइफल के साथ पुलिस विभाग ने उत्तम सेवाएं दी हैं। और मैं कहूंगा कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है, जब हमारे पुलिसिंग सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन लागू होता है, जब हमारी स्मार्ट पुलिसिंग होती है, तो हमारा निवेश भी तेजी के साथ बढ़ता है। किसी भी प्रदेश में यदि निवेश करना हो तो उसका पहला मानक है वहां की कानून व्यवस्था मजबूत हो। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई दूंगा कि सारे आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया और इन्वेस्टर मीट में केवल भारत ही नहीं दुनिया भर के उद्योगपतियों ने, यही में मुझे गौतम बुद्ध नगर का याद है, 5,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की जब सैमसंग ने शुरुआत की थी, तो हम सब लोग यहाँ आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था और एक बेहतरीन शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद बहुत तेजी के साथ एक बेहतरीन शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है।